धौलपुर जिले की दिनभर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। भाई दौज की शुभकामनाओं के साथ मैं धनेश जैन आपके द्वारा भेजे गए होली के वीडियो हम 12 मार्च को दिखाएंगे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। होली में कलेक्टर व एसपी ने जमकर लगाए ठुमके। जिले भर में प्रेम श्रद्धा भाईचारा और भक्ति का पर्व होली हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। होली के दूसरे दिन आज पुलिस लाइन धौलपुर में भी जमकर होली खेली गई। पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा, जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के साथ जिले भर पुलिस अधिकारियों पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं एसपी और कलेक्टर ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर ठुमके लगाए। पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा ने भी सभी पुलिसकर्मियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए एक दूसरे के साथ मिलजुलकर काम करने की अपील की और आपस में भाईचारे और सामंजस्य के साथ रहने का आह्वान किया। धौलपुर जिले की पुलिस लाइन में होली के दौरान सभी थानों के पुलिसकर्मियों ने भी डीजे की धुन पर जमकर ठुमके भी लगाए। पुलिस लाइन में खेली गई इस होली पर पुलिसकर्मियों के परिजनों में पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा, जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल के साथ सेल्फी का भी जमकर क्रेज देखा और दोनों ही अधिकारियों ने सभी के साथ सेल्फी ली और बच्चियों के ऊपर पुष्प बरसाकर होली खेली गई। वीडियो वायरल करने वाला एक बदमाश गिरफ्तार। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा के बारे में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर किया था अभद्र भाषा का प्रयोग। विगत दिनों सोशल मीडिया पर डांग इलाके से वीडियो वायरल कर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा को धमकी देने वाले तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले बदमाशों में से धौलपुर पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा ने बताया कि आज बसई डांग थाना प्रभारी कैलाश गुर्जर में जाप्ता एडीएफ गश्त कर रहे थे, जो वीरपुर डॉयलिन का पुरा रजई खुर्द के बाद भगतपुरा पहुंचे तो वहां जरिए मुखबर सूचना मिली कि गांव चिल्लीपुरा की तरफ से एक व्यक्ति भगतपुरा की ओर आ रहा है। इस पर पुलिस टीम भगतपुरा के लिए रवाना हुई तो पुलिया के पास एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने साहस और तत्परता से उस व्यक्ति को घेरा डालकर पकड़ लिया। उससे पूछने पर अपना नाम साफ सिंह उर्फ सब्बो पुत्र कप्तान सिंह गुर्जर निवासी खटाने का पुरा थाना सदर बाड़ी धौलपुर बताया, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे में से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर लोडेड मिला, जिसके चैम्बर में एक जिंदा कारतूस और एक जिंदा कारतूस 315 पेंट की जेब से बरामद किया गया, जिसको गिरफ्तार कर अवैध हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया गया। एसपी मृदुल खचावा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साफ सिंह विगत दिनों विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर वीडियो वायरल हुए मामले में शामिल था। ये बदमाश सीताराम गुर्जर धर्मेंद्र उपलुक का गिरोह का सक्रिय सदस्य है, जिससे गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में गहनता से पूछताछ कराई जा रही है। आपको बता दें कि बीएड से सोशल मीडिया पर डकैतों द्वारा वायरल किए गए वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई और खुद धौलपुर पुलिस अधीक्षक मृदुल खचावा भारी पुलिस के साथ बीएड और डांग इलाके में उतरे, जिन्होंने डकैतों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया था। ससुराल से लौट रही युवक सहित दो की मौत। सैपऊ थाना क्षेत्र में होली के त्योहार पर अलग अलग दो जगह हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हुई है। पहली घटना नेशनल हाईवे 123 पर गुर्जा गांव के पास हुई, जहां अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर जिला अस्पताल में युवकों को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक कमरुद्दीन खान सैपऊ हॉस्पिटल में अकाउंटेंट हैं, जो कि कुंकरा गांव स्थित अपनी ससुराल से वापस घर लौट रहा था, तभी अचानक रास्ते में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी,
जिससे बाइक पर सवार कमरुद्दीन खान की मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना कैथरी गांव के पास की है, जहां देर शाम को सड़क पार करते समय एक राहगीर व्यक्ति की अज्ञात वाहन से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, तभी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना का शिकार हुए युवक को NHAI एम्बुलेंस की मदद से CSC सेंपो की मोर्चरी पर पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक युवक डम्बर सिंह अपने घर जाने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी अचानक हाईवे पर आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। बिजली का तार टूटकर ऊपर गिरने से किशोर की मौत। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना इलाके की ग्राम पंचायत मरहौली के गांव अरुआ में 17 वर्षीय रामलखन पुत्र शिवचरण जाटव की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर ऊपर गिरने से मौत हो गई। मृतक किशोर 10वीं कक्षा में पढ़ता था। ग्रामीणों का कहना है कि रामलखन खेत में पानी लगाने जा रहा था, तभी अचानक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे रामलखन करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हॉस्पिटल से सूचना मिली है कि बच्चे बच्चा जो है मतलब एक्सपायर हो चुका है, तो हमारा मतलब सरकार जो भी है गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है, और हम सब ग्रामवासी जो है मतलब एकत्रित हैं, हमें बड़ा दुख है कि मतलब खुशी का त्योहार आज जो है मतलब इतनी बुरी घटना जो हुई है के वो त्योहार की खुशी सारी मतलब एक दुख के गम के अतिथि निभाना पड़ रहा है, हमको बदल चुकी है, तो सारे गांव के अंदर जो है मतलब एक दुख का शोक छा चुका है। भतीजा रिश्ते में लगता है रामलखन, उसकी 4:30 बजे 11 kV लाइट से जो अभी सामने मेरे ट्रांसफर रखा हुआ है, इसका तार बहुत नीचा था, स्कूल वाला जो बच्चे खेल रहे थे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और बारिश की कारण या वैसे करंट नीचे आने के कारण बच्चा चपेट में आ गया और उसकी तत्काल तुरंत उसी समय मौत हो गई। उसका नाम रामलखन है, उसके पिताजी का नाम शिवचरण है और जाति जाटव, ग्राम अरुआ, पोस्ट मरौली, तहसीलवाड़ी, जिला धौलपुर। नशे में गाड़ी से महिला को रौंदा, मौत, मां बेटा बाल बाल बचे। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके के गांव सरानी खेड़ा के निकटतम गांव विलगवा में होली त्योहार के धुरंडी के दिन दोपहर को एक तेज गति बेलोरो ने सड़क से दूर घर में करीब 20 फुट अंदर बैठी एक महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। यहीं पास में एक महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, जो घटना में बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी का चालक नशे में धुत था। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि एक बोलेरो सरानी खेड़ा की तरफ से धौलपुर की ओर जा रही थी, जिसने रास्ते से दूर घर से करीब 20 फीट अंदर बैठी महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला का नाम बासमती हरजन है, जो कि त्योहारी लेने के लिए आई हुई थी और त्योहारी का घर के बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। इस दौरान बोलेरो गाड़ी काल बनकर आई, उसने महिला को रौंद कर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीण ने बताया कि बोलेरो गाड़ी चला रहा युवक नशे में था। सूचना मिलते ही सदर थाने की पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने बोलेरो को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वो तो अपनी टीन में बैठे थे और गाड़ी उधर से आई बहुत स्पीड में और जानबूझ के और साइज से रौंदने की कोशिश की है हमारी, और रेग डोकरी खत्म रहेगी वहाँ के नीचे दबे गए मेहतरानी। गाड़ी में कितने लोग थे? तीन चार लोग थे। तीनों चारों भाग गए क्या? हाँ भाग गए। मौके से कुछ मिला है? हैं? गाड़ी में कुछ मिला है? बोतल पाउच। जहर खाने से महिला की मौत, पियर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप।
सरमथुरा कस्बे के सती चौक निवासी एक मुस्लिम परिवार में एक विवाहिता ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना को लेकर महिला के पियर पक्ष ने जहर खिलाकर बेटी को मारने का मुकदमा सरमथुरा थाने में दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार कस्बे के सती चौक निवासी अनीस खान की पत्नी सहनाज बानो ने परिवार में आपसी कासनी के बाद चूहे मारने वाली दवाई खा ली, जिसका पता लगते ही परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना का पता लगते ही महिला के पियर पक्ष के लोग सरमथुरा पहुंचे। उन्होंने बेटी को जानबूझकर जहर देकर मारने का आरोप लगाते हुए पति अनीस खान, पुत्र रज्जाक परवीन बानो, पत्नी रज्जाक खान उस्मान खान, पुत्र रज्जाक के खिलाफ सरमथुरा थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़ी के ऐतिहासिक बारह भाई मेले का शुभारंभ। बाड़ी 159 साल से लगातार निकलने वाले बाड़ी के ऐतिहासिक सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बारह भाई मेले का आज विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ मेला अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग उमरी वालों द्वारा पुराना बाजार स्थित मेला कार्यालय पर ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष द्वारा प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर मेले में समस्त जिलेवासियों से अपना तन मन धन से सहयोग देकर उसे सफल बनाने की अपील की गई। इस मौके पर मेला अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभाकर दीक्षित, पूर्व चेयरमैन भगवती प्रसाद मित्तल, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद बाड़ी वीरेंद्र सिंह यादव, मंत्री रामवतार शर्मा, टीकम सिंह जाट, पवन चंदसौरिया, सत्यदेव चंदसौरिया, संजू परमार, विजय दीक्षित, पप्पू कांकरी वाले, मेला समिति के युवा संयोजक काना शर्मा, शहर संयोजक अंशुल गर्ग सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मेले को लेकर हमारे बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने की मेला अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग से खास बातचीत और जाना मेले को किस प्रकार से निकाला जाएगा और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज बाड़ी के बारह भाई ऐतिहासिक मेले का विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण करके शुभारंभ किया गया है। ये 5 दिवसीय मेला इसके अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग उमरे वाले बनाए गए, इनसे बात करते हैं कि मेले की क्या रूपरेखा रहेगी, 5 दिवसीय किस तरह से निकाला जाता है, आइए इनसे बात करते हैं। वकील साहब, मेले की क्या रूपरेखा रहेगी ये बताएं जरा। आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग यहाँ पधारे। यह मेला हमारी बाड़ी बस्ती की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है, जो हमारे पूर्वजों ने करीब 1859 में इस वर्ष 160 वर्ष इसको पूरे हो गए, 161वीं वर्ष का ये मेला हमारा निकल रहा है। और इसमें पहले से ही यहाँ जो 3600 कौम न होकर के 12 कौम थी, उन्होंने सबने एक भाई रूपता समरसता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस मेले को भाईचारे के रूप में निकाला था। इसके बाद आज जैसे ही इसकी शुरुआत भाई दौज से होली के दौज से होती है, और होली के दौज में स्वयं इसका कार्यालय पे जो बारह भाई मेला का कार्यालय है वहाँ पे ध्वजारोहण होता है, जिसमें जैसे कि आज अभी आपने देखा ध्वजारोहण हुआ, और उसके साथ ही मेले का आगाज होता है। इस आगाज के साथ आज के दिन ही ध्वज फूलों की होली ध्वज के रूप में पूरे बाजार में भ्रमण करते हुए और दाऊजी के मंदिर से शुरू होकर के यही गांधी विद्या मंदिर पर आकर के समाप्त होती है, जिससे कि सभी को ये पता लग जाता है कि सप्तमी के दिन यह मेला निकलेगा। 14 तारीख एक दिन पहले शाम को इस मेले की बैठक होती है, जिसमें हमारे सात स्वरूप सजते हैं, राम लक्ष्मण सीता गणेश जी हनुमान जी, इस तरीके से इसकी बैठक अब की बार बस्ती के विस्तार रूप को ध्यान में रखते हुए सैपव रोड बस स्टैंड पर रखी गई है। और उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरे दिन 15 तारीख को 3 बजे से जो मेला फील्ड है बाड़ी की, वहाँ से इस मेले का शुभारंभ होता है, जिसकी हरी झंडी दिखा करके इसको पूर्ण बाजार में निकलता हुआ और वहाँ से गुरु की बगिया, हॉस्पिटल रोड, सदर बाजार, लोहार बाजार और होता हुआ पुराने बाजार में से होता हुआ पुनः वहीं पहुँच करके भरत मिलाप के साथ उस दिन का कार्यक्रम संपन्न होता है। बड़े धूमधाम से यह कार्यक्रम होता है। अगले दिन 16 तारीख को शाम को 7 बजे से राजगद्दी का प्रोग्राम होता है, जहाँ राज अभिषेक होता है। सभी जितने भी हमारे स्वरूप बनते हैं मंच पे आते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, और जो बस्ती सहयोग देती है उन सब व्यक्तियों को वहाँ पे बुलाया जाता है, और बड़ी धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ जिसमें
कि आप ये मान के चलो कि राधा कृष्ण के संगीत, मोर नृत्य, हनुमान जी उड़ने वाले, शिव तांडव, ये ऐसे नाना प्रकार के उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और उसी के बाद मेले में सुनने में आया है कि मेला आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, क्या राज्य सरकार की तरफ से भी आपको इसमें कुछ जो मिलता है, क्या फायदा है? देखो, मेला बस्ती की तरफ से निकलता है, उसी से निकलता है, नगर पालिका से मात्र हमें बहुत संक्षिप्त राशि 8100 रुपये मिलती आई है। अब की बार हमने चेयरमैन और ईओ साहब से उसको बढ़ाने की दरखास्त लगाई है, एप्लीकेशन लगाई है और कहा है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम इसको थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, लेकिन उस मात्र राशि से मेले में जब तक बस्ती का सहयोग नहीं होता, जब तक कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, पूरी बस्ती का सहयोग है, मेला धूमधाम से निकलेगा, दिव्य भव्य निकलेगा, यह बस्ती की सबका मेला है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका। आज हमने मेला अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग जी से बात करी, उन्होंने बताया कि मेला भव्य और दिव्य तरीके से निकाला जाएगा, शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ जो 5 दिवसीय होगा, राजगद्दी के साथ इसका समापन किया जाएगा। मैं मलिक इमरान खान, फर्स्ट ट्रैक न्यूज, बाड़ी। 5 दिवसीय कंस मेले को लेकर बैठक का आयोजन, कंस मेला कमेटी के अध्यक्ष चुने गए केदारनाथ त्यागी। बसई नवाब कस्बे में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कंस मेले की तैयारियों को लेकर ग्रामीणों की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के दौरान 5 दिवसीय कंस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि प्राचीन परंपरा को यथावत रखते हुए बसई नवाब कस्बे में कंस मेले का आयोजन होगा, जिसका 17 मार्च को विधिवत शुभारंभ होगा तथा यह मेला 5 दिन तक चलेगा, जिसकी व्यवस्थाओं के लिए ग्रामीणों की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है। सर्वसम्मति से केदारनाथ त्यागी को कंस मेला कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। कंस मेले में 18 मार्च को आकर्षक झांकियों के साथ कंस वध का आयोजन किया जाएगा। 19 मार्च को कवि सम्मेलन सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम, 20 मार्च को अखिल भारतीय विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हल्दी घाटी, जम्मू कश्मीर सहित महिला पहलवान भाग लेंगे। इस मौके पर समाजसेवी गोपाल गुदेनिया, रमाकांत कटारा, दाऊजी गुदेनिया, उम्मेदी शर्मा, अशोक त्यागी, बीरन शर्मा, रमाकांत त्यागी, हरिओम कुशवाहा, गौरन सिंह पंच, बोनाराम पूर्व सरपंच, रामविलास, कुलदीप कटारा, रोहित, सुखवेंद्र कुशवाहा, विजेंद्र सिंह, जगन्नाथ ठेकेदार, नत्तीलाल सापुरा, विद्याराम सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज दिनांक 10/3/2020 को ग्राम पंचायत बसई नवाब, ग्राम पंचायत नगला अल्लाल के समस्त ग्रामीणों की बैठक, बैठक राजीव गांधी सेवा केंद्र पर आयोजित की गई है, जिसमें पूरे हर वर्ष गांव को मतलब पंचायत बसई नवाब में लगने वाले ऐतिहासिक एवं कंस मेले की मेला कमेटी का गठन किया गया है सर्वसम्मति से सभी ग्रामीणों के द्वारा। आज दिनांक 10 मेला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सब ग्रामवासियों की तरफ से मुझे अध्यक्ष चुना गया है और मेला 18 तारीख को कंसवध होगा, 19 को कम सम्मेलन होगा और 20 को दंगल होगा। अग्रवाल समाज बसेड़ी की कार्यकारिणी बरखास्त, 22 मार्च को होंगे चुनाव। अग्रवाल समाज बसेड़ी की बैठक आज अग्रवाल धर्मशाला बसेड़ी में अध्यक्ष सियाराम गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समाज के साथ साथ ट्रस्ट के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद समाज की कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें वर्तमान कार्यकारिणी को सर्वसम्मति से बर्खास्त किया गया। बैठक में मौजूद लोगों की आपसी सहमति के बाद 22 मार्च को अध्यक्ष सहित सभी पदों की कार्यकारिणी के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। होली के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन, होली धुलंडी के मौके पर शाम को शास्त्री नगर विकास समिति धौलपुर के तत्वाधान में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा, फैजाबाद, ग्वालियर, भरतपुर, टूंडला तथा स्थानीय कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, विशिष्ट अतिथि समाजसेवी सतीश शर्मा मैनेजर रहे।
इस दौरान शास्त्री नगर के सेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 गौशाला कॉलोनी के महिला पुरुषों बच्चों ने काव्य पाठ का जमकर लुत्फ उठाया। कवियों ने हास्य व्यंग और वीर रस की एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिले में चल रहे भागीरथ प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। समिति के सचिव ऋषि मित्तल, योगेश पांडे, कवि मनोज बेचन ने कार्यक्रम का संचालन किया। कवि सम्मेलन से पूर्व कॉलोनी के छोटे छोटे बच्चों ने फिल्मी गानों एवं लोकगीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। मिठाई जो मैं ठोते आई सूचना देहनी होलिका की सगरे गुरबन में दही डरवाई के गुलरी ऑनलाइन मंगवाई। मिठाई जो मैं ठोते आई सूचना देहनी होलिका की सगरे गुरबन में दही डरवाई। नेट पे डार भेज रहे यार आजकल विष और रंगोली, व्हाट्सएप पे रंग लगा रे फेसबुक पे गुंजिया खा रे, व्हाट्सएप पे रंग लगा रे फेसबुक पे गुंजिया खा रे। चली अब ऑनलाइन होली ये देखो ऑनलाइन होली, चली अब ऑनलाइन होली ये देखो ऑनलाइन होली। और मैं भी बता रहा था आपको मैं बम्बई गया, तो बम्बई में एक प्रोग्राम था मेरा छोटा सा। सरस्वती माँ मैं खड़ी तेरे चरण, तुम हो दयालु तुम कृपालु स्नेह का भंडार, तुम हो दयालु तुम कृपालु। भाई दौज पर बहनों ने किया भाइयों को टीका। रंगों के त्यौहार होली के दूसरे दिन आज धौलपुर में भाई दौज का पर्व मनाया गया। महिलाओं ने अपने घरों के सामने गोबर से दौजी दौजा की प्रतिमा बनाई और फिर उनकी पूजा कर पौराणिक कहानियां भी सुनी। इस दिन बहनें अपने भाइयों के गुलाल का टीका कर व तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। पूजा के बाद बहनों ने भाइयों के टीका कर मुंह भी मीठे कराए। इसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार दिए। भाई और बहनों के इस पावन पर्व को लेकर आज धौलपुर जेल पर भी सुबह से ही अपने भाइयों को टीका करने उनकी बहनें पहुंची, जहां उन्होंने भाइयों के माथे पर तिलक किया और जल्द से जल्द उनकी रिहाई की कामना की। कई बहनों की अपने भाइयों के टीके करते हुए आंखें भी नम हो गईं। जेल परिसर में भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा घरों में भी भाई बहन का त्यौहार हर्ष और प्रेम पूर्वक मनाया गया। दुकान पर बैठे युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला। बाड़ी के सीताराम बाजार में 35 वर्षीय दयालु पुत्र पूरन निवासी तुरुआ कड्डा की गन्ने की रस की दुकान है, जहां सोमवार की शाम को आधा दर्जन लोगों ने दुकान पर बैठे दयालु से मारपीट करना शुरू कर दी और सिर में सरिया देना बताया गया है, जिससे दयालु के सिर में गंभीर चोट आई है और दयालु खून से लथपथ हो गया, जिसे बाजार के अन्य लोगों ने बीच बचाव करके बचाया। घायल युवक दयालु ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने अपने साथ घटित घटना की पूरी जानकारी के साथ बाड़ी थाने पर तहरीर मुकदमा दर्ज कराने को दी है। मेरा नाम दयालु है। क्या बात हुई थी? मैं करीब 5 बजे की बात है, जोर से बोल, करीब 5 बजे की बात है, 6-7 लोग आए और उन्होंने एक क्या सरिया था, उसने सरिया मार दिया मेरे ऊपर, सिर में सरिया मार दिया और बाकी लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ कर दी और मार गए भी भाग गए। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे। किसी को जानते हो उनमें से? उनमें से एक को जानता हूँ, उनका फोटो गया, उस फोटो गया उसका नंबर भी। इसकी पुलिस को तहरीर दे दी तुमने? हाँ, पुलिस को तहरीर दी थी, एक तहरीर 5 तारीख को दी थी। अच्छा, 5 तारीख को दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे। 5 तारीख को किस बात की दी थी? वो दूसरी कॉलिंग से फोन से घर फोन करता था। अच्छा, रेडियो से गाली गुलूज करता था और गंदी गंदी बातें करता था, इसकी तहरीर दी थी। तो उसी बात को लेके आज दुकान पे एक राय होके इकट्ठा हो गया? नहीं, इस बात को लेकर नहीं, वो इसलिए आए कि उन्होंने तुमने हमारी शिकायत होगी पुलिस में। मेरा गोदाम में आग लगने से सामान जलकर राख। बाड़ी कस्बे के आमली पाड़ा मोहल्ले में एक दुकान नुमा गोदाम में अज्ञात कारणों से सोमवार की रात आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचियों पर पहुंचे पीड़ित ने मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग पर काबू पाया।
पीड़ित दुकानदार रहीमुद्दीन ने बताया कि उसकी फल और फर्नीचर के साथ अन्य सामान का एक गोदाम है जिसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। इस घटना में 3 LED फर्नीचर, 2 डकेल सहित अन्य सामान जल गया। यहाँ से फोन किया था, मेरे घर में सोया हुआ था, किसी ने बताया कि तुम्हारी आपकी दुकान में आग लग चुकी है। तो वहाँ से मैं जब आया भाई साहब, तो इसमें हमारी 3 तो इसमें नई LED थी, 2 रिप्लेसमेंट की थी इसमें, और हमारा फल के कार्टून थे, सेब के डिब्बे थे, हमारी 2 ढकेले जल गई, और हमारे कुछ पैसे वैसे भी रखे थे उसमें, 500-700 रुपये कागज की, वो भी जल गए। हमारा काफी नुकसान हो गया साहब। फर्नीचर का सामान भी जल गया? फर्नीचर का सामान भी हमारे इसमें वो भी जल गया। आग से कैसे काबू पाया आप? देखो इसमें लाइट तो है नहीं है ना, तो हमारा गोदाम टाइप है इसमें, ना तो हम कुछ चीज जलाते, इसमें लाइट तो है नहीं है, पता नहीं है किस कारण आग लगी इसमें, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो सब कुछ जल गया? सब कुछ जल गया था हमारा, तो कम से कम 1.5-1.5 लाख का नुकसान हो गया हमारा तो कम से कम साहब। इसमें छत की 2 चीरियाँ टूट गई हैं, वो भी भड़क चुकी हैं, और शटर तो इधर ये भी जल गया है, उधर वो भी भड़क चटक गया, 2 दरवाजे चटक चुके हैं साहब। ये किराए पर होगी आप? किराए पर साहब। अज्ञात कारणों से लगी आग, हजारों का हुआ नुकसान। बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत खिड़ोड़ा के गांव खैलपुर में आज शाम अज्ञात कारणों से एक कच्चे घर में आग लग गई, जिससे घर में रह रहे 2 परिवारों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, इसके बाद ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। पूर्व सरपंच द्रविंद्र सिंह खिड़ोरा ने बताया कि आग लगने से शिवचरण जाटव के 5 बोरी गेहूं, 2 बोरी बाजरा सहित सभी घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। इसके अलावा मनीष जाटव का 4 बोरी गेहूं और 3 बोरी बाजरा सहित घरेलू सामान, बिस्तर, कपड़ा आदि जलकर राख हो गया है। टवेरा गाड़ी की टक्कर से एक महिला घायल। कोलारी थाना क्षेत्र के निदेरा कला गांव में टवेरा गाड़ी बेकाबू हो गई, जिसने एक राहगीर महिला को टक्कर मारकर घायल कर दिया। महिला को टक्कर मारते हुए गाड़ी एक दीवार से जा टकराई। इस दौरान आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना से महिला के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है, जिसको परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल धौलपुर के ट्रूमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक माया देवी पत्नी रामबाबू पाठक के पैर में चोट आने से कारण वह घायल हुई है। घटना को लेकर घायल महिला माया देवी के पति रामबाबू की ओर से पुलिस थाना कोलारी में तहरीर दी गई है। ब्रजेश कुमार मंगल, SDM बाड़ी। मैं देशवासियों को एवं धौलपुर वासियों को एवं बाड़ी की पूरी जनता को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं ये कोरोना बीमारी के तहत देखने की दृष्टि से इस समय कोरोना की बीमारी जो फैल रही है, इसको दृष्टिगत रखते हुए लोगों से अपील करता हूं कि हाथ जोड़कर होली मनाएं एवं भाईचारे की भावना पूरी रखें। भाईचारे में हमारे बाड़ी वासी पूरा ध्यान रखें, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, और इसी साथ के साथ होली की समस्त जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उमा शंकर यादव, पूर्व अध्यक्ष युवा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र बाड़ी एवं SDM की सदस्य राजकीय महाविद्यालय बाड़ी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी की ओर से समस्त प्रदेश वासियों, धौलपुर जिले वासियों और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार, ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार, यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार। होली मुबारक हो आपको दिल से हर बार। हैप्पी होली। प्रदर्शन शिक्षा समिति देशवासियों को खासतौर बाड़ी वासियों को होली की विशेष शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये त्यौहार हम आपस में बहुत भाईचारे से मनाते हैं, सातों जातियां रहती हैं बस्ती में, सभी का कितनी प्रेम से मनाते हैं। और इस टाइम ये कोरोना वायरस चल रहा है, इससे कलर फलर से बाल से बचे, सद्भावना से वैसे ही नमस्कार करके होली मनाए, लोग ही होली खेले। मैं अनिल कुमार मंगल, वरिष्ठ कंपाउंडर सामान चिकित्सालय बाड़ी। होली के इस शुभ अवसर और पवित्र त्यौहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों, जिले वासियों एवं बाड़ी की समस्त जनता जनार्दन को इस पवित्र त्यौहार की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और
इस पवित्र त्यौहार पर एक शुभ संदेश ये है कि अपनी आपसी बुराइयां, भेदभाव, जाति बरादरी को भूलकर इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। और अभी फिलहाल जो कोरोना वायरस का खौफ चल रहा है, आप उससे बिल्कुल डरे ना। यह वायरस अब सीमित है और यहाँ तक चीन की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी अब इसके फैलाव प्रसार में कमी आई है। इसलिए अपनी सभी धौलपुर जिलेवासियों से निवेदन है कि बगैर डरे इस त्यौहार को रंग गुलाल के साथ अच्छी तरीके से मनाएं। धन्यवाद। राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन महासंघ अजमेर के प्रदेश महासचिव एवं स्टार पब्लिक माध्यम विद्यालय राजाखेड़ा के व्यवस्थापक ब्रजेश शर्मा की ओर से सभी जिले वासियों को रंग बिरंगी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत सादिकपुर भरे के समस्त ग्राम वासियों को एवं समस्त धौलपुर जिले वासियों को मेरी तरफ से एवं मेरे परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मुबारकबाद। राम राम साहब। रमाकांत गोस्वामी सीएम क्लब मेंबर एलआईसी इंडिया निवास मनोहर बिहार कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूं। तसीमो इंडियन गैस परिवार की ओर से समस्त तसीमो क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार के सारे दुख दर्द और बुराइयां होली में जल जाएं, तथा दुनिया की सारी खुशियां आपके परिवार पर रंगों के साथ बरसे। आपका परिवार खुशियों से महके, ऐसी हमारी तरफ से ईश्वर से आपके लिए कामना है। राम ब्रज सिंह, प्रबंधक इंडियन गैस एजेंसी तसीमो सैपो। धर्मेंद्र सिंह सरपंच ग्राम पंचायत टाणा की ओर से समस्त ग्राम पंचायत टाणा क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। हरीश कुशवाहा सामाजिक कार्यकर्ता बसीनवाल की ओर से समस्त बसीनवाल क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सतीश त्यागी सरपंच ग्राम पंचायत लोहारी धौलपुर की ओर से समस्त लोहारी ग्राम पंचायत वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। अग्रवाल महासम्मेलन राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष ग्रीस गर्ग की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को एवं राजस्थान प्रदेश वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस होली पर आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द बनाए तथा कोरोना वायरस से सावधान रहें। डॉक्टर संगीता गुप्ता व डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता मनिया की ओर से समस्त मनिया क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप निरोगी रहें और स्वस्थ रहें, सदा खुशहाल रहें। डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल चेस्ट रोग विशेषज्ञ व डॉक्टर रेणु अग्रवाल स्त्री रोग विशेषज्ञ की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार सुखी, निरोगी और खुशहाल रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आर एस गर्ग की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को एवं प्रदेश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप खूब बढ़ें और आगे बढ़ें। ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर के निदेशक मनोज त्यागी की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। समाज सेवी व डबल ए क्लास ठेकेदार मुरारीलाल सिंगल एवं उनकी पत्नी मंजू सिंगल पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका धौलपुर की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह होली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मेरी तरफ से सभी प्रदेश वासियों को और समस्त धौलपुर के लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा
कि आने वाले वक्त में सब लोग खुशी रहें, खुशहाल रहें, संपन्न रहें और हर तरह का सुख यहाँ के लोगों के जीवन में। मैं डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद करौली धौलपुर, सभी करौली और धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके जीवन में खुशियों के अपार रंग भर दे और आपके सभी कष्ट होलिका के साथ दहन हो जाएं। आपका अपना डॉक्टर मनोज राजौरिया, सांसद करौली धौलपुर। पंचायत की जनता जनार्दन को होली एवं भैया ध्वज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं जनता के बीच रहकर जनता के हित में कार्य करूंगा, निष्पक्ष कार्य करूंगा। प्रधान होटल एंड रेस्टोरेंट के मालिक व समाज सेवी हरि निवास शर्मा प्रधान धौलपुर की ओर से समस्त धौलपुर जिले वासियों को एवं देश वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह होली आप सभी के जीवन में खुशियों का रंग भर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत बधाई। महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर के प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता की ओर से सभी छात्र छात्राओं, कॉलेज स्टाफ एवं समस्त धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह होली आपके करियर को बहुत ऊंचा ले जाए और आप पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवारे। मैं प्रमोद शर्मा, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी धौलपुर, धौलपुर जिले के समस्त धौलपुर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही अपील करता हूं कि खतरनाक रंगों से बचें, आपसी भाईचारा बढ़ाएं, प्रेम बढ़ाएं। होली का त्यौहार प्रेम का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है। सभी से अपील है कि खतरनाक रंगों से बचें। धन्यवाद। होली भारत के अंदर एक सामाजिक समरसता का त्यौहार है। होली का त्यौहार पूरे भारत के अंदर मनाया जाता है। होली का एक मुख्य उद्देश्य है कि बुराइयों को जला देना, अच्छाइयों में प्रवेश करना, सबको एक दूसरे के गले लग करके और तिलक, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तिलक मंगल का प्रतीक है और सभी लोग एक दूसरे के लिए मंगल की कामना करते हैं कि सभी लोग मंगल में हों। जिस तरह से हमारे पौराणिक कथाओं के अंदर एक जो कि होलिका थी और वो बुराई का प्रतीक थी और उस होलिका को दहन किया, जलाया और प्रहलाद जी थे वो एक अच्छे सामाजिक अच्छाइयों के प्रतीक थे। इस होली के त्यौहार के अवसर पर मैं समस्त धौलपुर जिले वासियों को बहुत बहुत हार्दिक होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके लिए होली मंगलमय हो, ये मेरी परमात्मा से इच्छा है। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवा पत्नी पूर्व विधायक बीएल कुशवा धौलपुर की ओर से समस्त धौलपुर विधानसभा क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी खुश रहें और इस होली पर आपसी गिले शिकवे दूर कर प्रेम भाव बनाए रखें। नव गठित ग्राम पंचायत नंदपुरा के सरपंच उम्मीदवार फतेह सिंह लोधी की ओर से समस्त नंदपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र वासियों एवं बसैनवाल क्षेत्र वासियों तथा धौलपुर जिले वासियों को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी नंदपुरा ग्राम पंचायत क्षेत्र वासियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि पंचायत चुनाव में मुझे आशीर्वाद दें। गौरव त्यागी आबकारी ठेकेदार बसैनवाल की ओर से समस्त बसैनवा क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली पर हम सभी आपसी गिले शिकवे दूर कर एक दूसरे को गले लगाएं और आपस में प्यार, सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाएं। धौलपुर जिले वासियों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। इस त्यौहार को बड़ी खुशी से, बड़े उत्साह से मनाएं। भाइयों, मेरी एक और निवेदन है, कोरोना वायरस हिंदुस्तान में फैल रहा है, इसका विशेष ध्यान रखें और इसके उपाय
मास्क वगैरह लगा के होली खेले काम। ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्याशी सभी ग्रामवासियों और प्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी होली का त्यौहार भाईचारे के साथ मनाएं और मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग मतदान को सही तरीके से निष्पक्ष होकर निडर होकर करें, किसी के दबाव में ना आकर न करें। संजीव परमार मास्टर विद्याराम महाविद्यालय तसीमो एवं माँ भागवती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तसीमो की तरफ से होली की समस्त जिलेवासियों को शुभकामना देता हूँ एवं इस पावन पर्व को बड़े हर्षोल्लास और भाईचारे से मनाएं। मैं ये सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि सैकू पंचायत समिति के सभी मतदाता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। हिनौता ग्राम पंचायत बनिया के सरपंच प्रतिनिधि प्रताप सिंह कुशवाहा की ओर से समस्त हिनौता ग्राम पंचायत वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस होली पर भगवान आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे। राजकुमार परमार सरपंच प्रत्याशी तसीमो सैपो की ओर से सभी तसीमो ग्राम पंचायत क्षेत्र वासियों एवं धौलपुर जिले वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आगामी सरपंच चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद दें। मैं विजेंद्र सिंह कुशवाहा ग्राम पंचायत नरनगर से सरपंच पद पर हार करता हूं। मैं समस्त ग्राम पंचायत की जनता जनादर व समस्त जिले वासियों को होली व भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। पंचायत की समस्त जनता जनादर ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है, मुझे सरपंच बनाया है। मैं भी जनता के बीच रहकर जनता के हित में कार्य करूँगा। धन्यवाद।